हिमाचल जनजाति एवं अनुसूचित का जिला सम्मेलन बद्दी के भुड में आयोजित हुआ। सम्मेलन में हिमाचल के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने शिरकत की। मुख्यमंत्री का भुड में आयोजित सम्मेलन में गर्मजोशी के साथ स्वागत किया गया। इस दौरान मुख्यमंत्री के स्वागत में कार्यकर्ताओं का जोश इतना बढ़ गया कि मुख्यमंत्री के गले में हार एक दूसरे से आगे डालने में इतनी होड़ लग गई, जिसके चलते मुख्यमंत्री नाराज दिखे और कार्यकर्ताओं को खुद ही पीछे धकेलना पड़ा। उसके बाद मुख्यमंत्री को सम्मानित किया गया। इस दौरान उनके साथ कैबिनेट मंत्री राजीव सहजल और सांसद वीरेंद्र कश्यप मौजूद रहे। मुख्यमंत्री ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि लोकसभा के चुनावों के प्रचार दून विधानसभा क्षेत्र बद्दी से किया गया है और भाजपा अब एक नए नारे के साथ अब की बार चार से पार के साथ हिमाचल में चारों सीटों को जीतकर दिल्ली भेजकर केंद्र में नरेंद्र मोदी को दोबारा प्रधानमंत्री बनाएंगे। सर्जिकल स्ट्राइक पर बोलते हुए कहा कि आज के दौर में देश अलग परिस्थितियों से गुजर रहा है और ये सब जानते हैं और लोगों को पता है कि देश सुरक्षित हो गया है, इसके लिए नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में वो सुरक्षित है। सर्जिकल स्ट्राइक पर कांग्रेस के नेता के बयान पर कहा कि कांग्रेस के लोग कहते हैं कि सर्जिकल स्ट्राइक तो कांग्रेस के समय में भी हुई थी, पर कांग्रेस ने कहीं चर्चा नहीं की। उन्होंने कहा कि अगर कांग्रेस के समय पर सर्जिकल स्ट्राइक होती तो चर्चा होती, कांग्रेस के समय पर कभी भी सर्जिकल स्ट्राइक नहीं हुई। उन्होंने राहुल गांधी के हिमाचल दौरे पर बोलते हुए कहा कि राहुल गांधी की रैली हिमाचल में फ्लॉप रही है और कांग्रेस का हिमाचल में ये हाल है कि कांग्रेस के मुख्यालय में कुर्सियां तक चली, इसका भी वो दोष भाजपा को देते हैं। उन्होंने पूर्व की केंद्र सरकारों पर तंज कसते हुए कहा कि उस समय हर खबर की मुख्य खबर नेताओं के कोर्ट में हाजिरी लगाने की होती थी, लेकिन एक साल में ये परंपरा खत्म कर दी गई है। इस दौरान उन्होंने केंद्र व राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही जनहित में जारी योजनाओं का भी जिक्र किया। इसलिए भाई और बहनों, मुझे आपके बीच में ये कहना है कि देश को मोदी जी की जरूरत है और देश के साथ साथ हिमाचल प्रदेश को भी मोदी जी की जरूरत है। ऐसी परिस्थिति में हम खुद के साथ खड़े हैं। जहां तक हिमाचल प्रदेश सरकार की बात है, सरकार आपके साथ है। एक साल का कार्यकाल पूरा हुआ है। हमारे कांग्रेस के नेता कुछ दिन पहले यहां आए थे हिमाचल प्रदेश में, राहुल जी, इससे ज्यादा प्रचलित नाम उनका कोई और है, मैं जिक्र नहीं करना चाहता हूं उसका, आप लोग जानते ही हैं। आए थे वहां पर, भाषण दे करके चले गए और बेचारा वो तंबू वाले को कह दिया गया कि बेचारे को कांग्रेस के लोग डांट मार रहे थे, हमने तुमको इतनी कुर्सी लगाने के लिए बोला था, तुमने ज्यादा क्यों लगा दी बोलते। और ऐसे दौर में से रैली फ्लॉप हुई, मैं उस बारे में कुछ कहने नहीं चाहता, लेकिन आप कल्पना करिए, तुलना करिए उन दोनों की, एक तरफ मोदी जी एक तरफ राहुल जी। क्या मैं उन सारी बातों का जिक्र इसलिए, लोकतांत्रिक व्यवस्था के अनुसार आप लोग निर्णय करेंगे। मुझे इस बात की भी प्रसन्नता है कि अगर मोदी जी आज, अगर अटल जी के बाद कोई दूसरे देश के प्रधानमंत्री जो हिमाचल को अपना घर बोलते तो नरेंद्र भाई मोदी जी। अभी कुछ दिन पहले जब उन्होंने पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे थे, वो तो संबोधन में बात करते करते जब हिमाचल का जिक्र आया, तो हिमाचल से जब हमारा शिमला से उनके साथ कनेक्शन हुआ, तो उन्होंने एक बात कही जो हिमाचल के सिवाय किसी दूसरे प्रदेश को नहीं कही, दूसरे प्रदेश के पार्टी के साथियों से भी बात की, लेकिन हिमाचल का जैसे जिक्र आया, अरे हिमाचल, हिमाचल तो मेरा अपना घर है, मैं हिमाचल के गांव गांव में घूमा। ये बात एक बार सुनने को तब मिली थी जब अटल बिहारी वाजपेयी देश के प्रधानमंत्री थे, और आज उनके बाद अगर दूसरे कोई प्रधानमंत्री इस बात का जिक्र कर रहे हैं तो वो नरेंद्र मोदी। आज भी मैं प्रधानमंत्री जी से मिलता हूं तो मुझे कहने लगते हैं कि जयराम उस गांव में सड़क पहुंची कि नहीं पहुंची, गांव का हम सोचने लग जाते हैं कि नहीं, वहां कहां आप पहुंचे, हम तो बोलते हैं यहां पहुंची, बोलते मैं उसमें वहां गया था, वहां पर सड़क नहीं थी, मैं इतना पैदल चल करके गया था। आप कल्पना करिए, देश का प्रधानमंत्री हिमाचल प्रदेश के गांव का जिक्र इस तरह से करें मुख्यमंत्री के साथ, ये बहुत अलग तरह की परिस्थिति है। और जहां हिमाचल के कांग्रेसियों की बात है, उनके बारे में क्या कहूंगा कि जिस दौर में से वो गुजर रहे हैं, भगवान उनको सद्बुद्धि दे,
कई सालों के बाद उनको पार्टी का नया अध्यक्ष मिला। कहा कि उनका अभिनंदन करना है, स्वागत करना है, स्वागत का कार्यक्रम रखा। और स्वागत का कार्यक्रम जब रखा गया पार्टी के मुख्यालय में राजीव भवन शिमला में, तो कुर्सियां चली, सिर फोड़ू कार्यक्रम हुआ। हम तो नहीं, फिर कहने लगे दूसरे दिन अखबार में, ये भाजपा वालों की साजिश है बोलते हैं। अरे वहां कौन भाजपा वाला अंदर था? सिर फोड़े, सिर में टांके लगे, लहूलुहान हो गए। तो इसलिए ऐसे दौर में से गुजर रही है। और हिमाचल प्रदेश में अगर हमको कहते हैं कि एक साल का कार्यकाल बीत गया, जयराम ने कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया, मुझे उनको समझाने की आवश्यकता नहीं। मैं ये कहना चाहता हूं कि एक साल के कार्यकाल में हिमाचल प्रदेश में एक जो वातावरण खड़ा हुआ, एक शांति का वातावरण, बदले की भावना से काम ना करने का वातावरण, एक माहौल पूरे प्रदेश में खड़ा हुआ। आप कल्पना करो, पहले सरकार में क्या होता था? हर रोज की खबर होती थी, आज इस नेता की पेशी उस कोर्ट में है, अगली तारीख इतनी तारीख को लगी, आज इसको जमानत हो गई, आज इसकी जमानत पर अर्जी अगली तारीख को टल गई, यही खबर होती थी। 5 साल तक यही चलता रहा। लेकिन जिस दिन से आप सब ने हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की स्थापना की, आज वो खबर ना पहले पन्ने पर है अखबार के, ना ही अंतिम पन्ने पर है। कोई हिमाचल प्रदेश में इस प्रकार का माहौल जो है, देवभूमि जाना जाता है हिमाचल। हमने कहा तुमको समझ में नहीं आ रहा है, कहा कि हिमाचल में काम नहीं हो रहा है। मैं उनको ये कहना चाहता हूं उनको, कि एक साल का कार्यकाल हिमाचल प्रदेश में हमने 70 साल के ऊपर के सभी बुजुर्गों को पेंशन का प्रावधान किया, और तुम तो उनके मरने का इंतजार करते थे, कहते थे कि जब 80 साल हो जाएगी तब तो पेंशन लगाएंगे बोलते। 80 साल का मतलब ये होता कि जब आदमी चला जाए, इस प्रकार का प्रावधान करके रखा था। और ये मैं कहना चाहता हूं, आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में हम केंद्र से 1000 करोड़ रुपए लगाए, 10,500 करोड़ रुपए हिमाचल के विकास को केंद्र से एक साल के कार्यकाल में लाए, और हमसे पूछने की क्या हुआ? तुम सत्ता में थे, सरकार में थे, और एक साल के कार्यकाल में 500 करोड़, 700 करोड़, इससे ज्यादा कभी हिमाचल प्रदेश को 800 करोड़ से ज्यादा नहीं आता था। और एक साल के कार्यकाल में 10,500 करोड़ रुपए नरेंद्र मोदी जी ने हिमाचल के विकास के लिए दिए। अभी विधानसभा के सेशन था तो कांग्रेस का एक नेता जो है, वो जो विपक्ष का नेता, उनको थोड़ी ताजी जिम्मेवारी मिली है, वो बड़े जोश में। मैंने कहा भाई ज्यादा जोश में मत हो भाई, इनके इलाके से है, सतपाल जी के ऊना जिले से, गर्म इलाके से है। तो मैंने कहा हिमाचल में बहुत विधानसभा के अंदर हमसे पूछने लगे कि पैसे कितने आए। हमने कहा कौन से पैसे की बात कर रहे हैं? कि बोलते आपने केंद्र से जो पैसे, आपने कहा कि 10,500 करोड़ रुपए, हमने कहा प्रोजेक्ट सब के तुम्हें 10,000 करोड़ के पैसा भी आएगा। नहीं नहीं बोलते पैसे कितने आए। मैं उनको एक ही बात कहना चाहता हूं, क्योंकि उन लोगों को आदत पड़ी है, विपक्ष के लोगों को, हमारे कांग्रेस के लोगों को, जब तक पैसा जेब में नहीं आए तब तक पैसा आया ही नहीं मानते। मैंने कहा भाई तुम्हारी जेब में तो नहीं आएगा, इसके लिए तो माफ करना। उसी को गिनते कि पैसा कितने आया, मैं नहीं आएगा, वो तुम्हारी जेब में नहीं आएगा। पैसा आएगा हिमाचल के विकास के लिए आएगा, पैसा आएगा हिमाचल में गरीब लोगों की मदद के लिए आएगा। अरे पैसा कैसे नहीं आ रहा है? आज एक प्रधानमंत्री जी हमारा निर्णय करते हैं कि हमारे किसान जो है मेहनत से फसल उगाते हैं, कई बार तूफान आ जाता है, बरसात आ जाती है, आंधी आ जाती है, फसल लगाई हुई तबाह हो जाती है। ने निर्णय किया, आजाद भारत के इतिहास में पहली बार फसल अगर लग गई वो आपकी है, अगर फसल नहीं भी लगी, बर्बाद हो गई, तो प्रधानमंत्री जी ने एक योजना बनाई भारत के किसानों के लिए,
प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के नाते और उसके तहत क्या किया गया कि आपकी फसल आपकी, लेकिन 6000 रुपए जिसके पास 2 हेक्टेयर से कम, 25 बीघा से कम जमीन है, उसके खाते में साल का 6000 रुपए आपको बिना किसी इसके जो है आपके खाते में आए। और मैं देख रहा था कि हिमाचल प्रदेश में अभी तक जिस दिन से योजना शुरू की है हमारे हिमाचल प्रदेश के, क्योंकि यहाँ 2 हेक्टेयर से कम तो 90% किसान हमारा जो है उस श्रेणी में आता है, जिसने औपचारिकताएं पूरी की है, जिसने फॉर्मेलिटीज कंप्लीट की है, उनके खाते में 2-2 करोड़ रुपए हिमाचल प्रदेश में आना शुरू हो गया और अभी तक लगभग 40 करोड़ रुपए हिमाचल के किसानों के खाते में सीधा प्रधानमंत्री जी के यहाँ से आ गया। उनका ख्याल करते हुए उन्हें तय किया कि हिमाचल प्रदेश पूरे देश भर में जो है उज्ज्वला योजना के अंदर हम गैस का चूल्हा देंगे और हिमाचल प्रदेश में भी बहुत परिवारों को गैस का चूल्हा मिला, लेकिन उसके बावजूद भी लाखों लोग हिमाचल प्रदेश में ऐसे बच गए थे जिनको गैस का चूल्हा जो उस उज्ज्वला योजना के अंतर्गत नहीं मिल पा रहा था। हमने कहा कि देश के मोदी जी के सामने पूरा देश है और हिमाचल प्रदेश में जो 1,20,000 परिवार छूट रहे हैं उन परिवारों को हम हिमाचल के अपनी सरकार के माध्यम से पैसा देंगे, और इसलिए हमने हिमाचल प्रदेश में आने वाले समय में कोई परिवार ऐसा नहीं छोड़ेंगे, कोई भी परिवार ऐसा नहीं छोड़ेंगे जिस परिवार को जो है गैस का चूल्हा घर में नहीं। और आज इस बात की खुशी है कि लगभग 5 लाख रुपए के इलाज की व्यवस्था मोदी जी ने की और हमने हिमाचल प्रदेश में देखा कि 22 लाख उसमें कवर हो रहे हैं, लेकिन बाकी लोग उसमें 70 लाख की आबादी में से कुछ बच रहे हैं, उनको मदद करनी चाहिए। हमने हिमाचल प्रदेश में हिम केयर के नाम से उस योजना की शुरुआत की, 1000 रुपए देंगे और 1000 रुपए के पैसे के साथ साथ में हेल्थ में जो है सीधा आपको 5 लाख रुपए का हेल्थ कवर आपको उसके अंतर्गत मिलेगा, आपको बीमारी लगे ना, अगर लग भी जाए तो आपके इलाज का खर्चा करने की जिम्मेवारी 5 लाख रुपए तक सरकार ने करती। क्या ऐसे गंभीर बीमारी के कारण जिनका इलाज जिंदगी भर चलना है और एक परिवार के किसी आदमी को लगातार उनकी सेवा के लिए वहां रहना पड़ेगा, उनकी मदद के लिए हमने हिमाचल प्रदेश में अब की बार बजट में प्रावधान किया और बजट में प्रावधान क्या किया कि सहारा योजना, उनको सहारा देने के लिए, मदद देने के लिए परिवार में आपका सदस्य अगर ऐसा बिस्तर पर लाचार होकर के पड़ा है 2000 रुपए महीने की मदद हम सरकार की ओर से, सरकार तो और भी रही लंबे समय तक रही, एक बार नहीं कई बार रही, लेकिन कभी इस तरह से सोचा नहीं गया। ऐसी चीजों को लेकर के हमने काम करने की कोशिश की गए। और इस बात के साथ साथ में मुझे ये भी कहना है, आपके ही इस विधानसभा क्षेत्र से एक हमारा राजेश ऋषि करके जो आपका दामाद और नालागढ़ विधानसभा क्षेत्र के रहने वाले जो हमारे नौजवान अभी कुछ दिन पहले ही जहां जाकर के किन्नौर में जो है उनकी शहादत हुई, ग्लेशियर आ गया, हमें बहुत अफसोस हो सारी बात का, परिवार को शक्ति दे ईश्वर उस दुख को सहन करने की, और सरकार की ओर से हर संभव मदद को भी जितनी भी उनको दी जा सकती है वो मदद हम उनको पहुंचाएंगे। आजकल के चुनाव के दिनों में हम बहुत बातों का जिक्र नहीं कर सकते हैं, लेकिन जो भी मदद जिस रूप में उनको दी जा सकती है उनको मदद देने की हम पूरी कोशिश करेंगे और ईश्वर उनको इस दुख की घड़ी में जो है वो इस दुख को सहन करने के लिए ईश्वर ताकत दे। एंड स्टार न्यूज के लिए बद्दी से ब्यूरो रिपोर्ट।